अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम ये महफिल है जनाब, आर्डुनिक कंपनी का है महफिल। अस्सलाम वालेकुम, रेनॉन कंप्यूटर्स हैदराबाद की तरफ से जनाब आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आपके लिए आर्डुनिक कंपनी का MH40S। इसका ओल्ड वर्जन था MH40, वो ओल्ड वर्जन था MH40 एडवांस और प्लस के नाम से आता था। ये इन्होंने फिफ्थ जनरेशन में इन्होंने लॉन्च किया है, महफिल। इसके आप पैकिंग देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर दी है और लास्ट 7 डेज पहले जो है इसकी लॉन्चिंग हुई है MH40S। फीचर्स इसमें तमाम तर वही होंगे लेकिन कुछ चेंजिंग की है इन्होंने, बॉडी की चेंजिंग की है, मेटल की चेंजिंग की है इसमें इन्होंने, RGB लाइट्स का यूज़ किया है। फिफ्थ जनरेशन है MH40S एडवांस। बैटरी इन्होंने इसमें चेंज की है, सर्किट चेंज किया है। इसका जो बैटरी की ड्यूरेशन थी, अगर आपके प्रोग्राम पे 2 से 2.5 घंटे ओल्ड मॉडल चलता था, ये कम से कम भी 1 घंटा ये अप हो जाएगा आपका। सेकंड, इसका साउंड इन्होंने इन्हेंस किया है, उसमें साउंड में थोड़ा सा कम था और ट्रेबल ज़्यादा होती थी, इसका साउंड एडवांस है। चेक करेंगे जो इन्होंने रिव्यू दिए हैं। बाकी इसमें जो कनेक्टिविटी जो इन्होंने यूज़ की गई है वो TWS, ये एक न्यू बिल्कुल फीचर लेकर आया आर्डुइनो। छोटे स्पीकर्स में ये टेक्नोलॉजी आती थी और आपके एयरबड्स में जो TWS आपके ब्लूटूथ एयरबड्स होते हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी है TWS की, कि एक के साथ दूसरा पेयर बना लेता है। तो ये सेट अगर ऐसा आपके पास दो हैं या आर्डुइनो का TWS कनेक्टिविटी वाला कोई भी सेट है तो दोनों को आपस में रखेंगे, दोनों पेयर बना लेंगे, एट अ टाइम दोनों पर सेम साउंड चलेगा, सेम प्रोग्राम चलेगा। अगर आपके घर पर मिलाद हो रहा है, महफिल हो रही है, तो आप एक लेडीज़ में रख दें, एक जेंट्स में रख दें, दोनों जगहों पर सेम साउंड चलेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इसमें वायरिंग पहले बिछानी पड़ती थी, इन आउट में लगाना पड़ता था, तो वो इन्होंने फीचर इसमें चेंज कर दिया है। बाकी इन्होंने RGB लाइट इफेक्ट्स है, ये चेक करेंगे इसका कैसा है, और लाइव रिकॉर्डिंग है विद वॉइस ओवर है, एंड सेकंड डिले, इको, रिपीट और हेड गियर, ये तमाम तरह फीचर पुराने हैं लेकिन इसमें नया जो फीचर है वो RGB लाइट्स का है। तो ठीक है जनाब, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको चेक करते हैं, फिर लास्ट में आपको इसका प्राइस अपडेट भी देंगे। और वीडियो मज़ीद आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नए मॉडल की अपडेट और डिटेल आती रहे। एंड सेकंड, आप वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा जनाब, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। बहुत बड़ी रेंज है और नॉर्मल में अगर आप देखें तो आर्डुइनो की रेंज तकरीबन 1,800 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं पोर्टेबल स्पीकर्स। बल्कि इसका सोलो 5 और कोको C7 आता है 600-650 के रेट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्डुइनो की बहुत बड़ी रेंज है, जिसको मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रेंज है पाकिस्तान में कि आर्डुइनो फुल फ्रेश काम कर रहा है पाकिस्तान में। ये जनाब इसकी एसेसरी है, इसमें से एक पॉकेट साइज का आपका रिमोट निकला है, क्योंकि शादी ब्याह का प्रोग्राम हो रहा होता है, महफिल मिलाद हो रही होती है, तो ये रिमोट पॉकेट साइज इसलिए बनाया गया ताकि आपकी पॉकेट में आ जाए इजीली और कहीं गुम ना हो सके, बड़ा रिमोट होगा तो गुम हो जाएगा। ये इसकी 1+2 की केबल है, कनेक्टिविटी है, इसमें इनपुट है, आप DVD प्लेयर से या TV से किसी भी चीज से आप इसको चला सकते हैं। सेकंड, एक्सटर्नल बैटरी का ऑप्शन है इसमें और एक्सटर्नल बैटरी की केबल है, कनेक्टर एलिगेटर केबल कनेक्टर देख सकते हैं आप इसमें। अच्छा, ये है इसका जनाब एडॉप्टर है, 9 वोल्ट एडॉप्टर है इसका, बाजार में इजीली मिल जाता है। और इसकी जो पिन है ये मिनी बुलेट है, ये आप देख के लेइएगा अगर कभी एडॉप्टर खराब हो जाए, 9 वोल्ट का एडॉप्टर है इसका। ठीक है जनाब, ये इसका बुकलेट है, मैनुअल है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं इसके पैकिंग की तरफ। इसमें से जनाब मेटल बॉडी में जो है वो आपको आर्डुइनो का ये माइक मिला है, जो मेटल बॉडी में प्रोफेशनल है। और इसमें सेल 2 लगते हैं, जो वॉल क्लॉक में लगते हैं वही वाले सेल लगेंगे इसमें, ये आप देख सकते हैं मेटल बॉडी के अंदर से।
इस माइक का वेट भी अच्छा होता है। अच्छा सेकंड इन्होंने स्टैंड इसी के अंदर रख दिया है, जो पुराने मॉडल थे स्टैंड उनके साथ आता था, अलग से पैकिंग में आता था स्टैंड, और उसकी पैकिंग इस तरह की होती थी, ऐसी पैकिंग होती थी, इसमें स्टैंड आता था, लेकिन अभी इन्होंने इनबिल्ट बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो बॉक्स का साइज इन्होंने बड़ा किया होगा लाजमी बात है स्टैंड की वजह से। बाकी स्पीकर का साइज सेम है, बॉक्स का साइज इन्होंने बड़ा कर दिया है क्योंकि उसके अंदर इन्होंने स्टैंड रख दिया है, और बिग साउंड बिग का नाम जो है वो इन्होंने यूज किया है, लेकिन मुझे साइज इसका सेम वही लग रहा है एम एस 40 वाला। ये इसके नट बोल्ट्स हैं स्टैंड के, ये आ गया जनाब स्टैंड आ गया है। अच्छा जनाब ये इसका हेड गियर है, वायरलेस हेड गियर है, आपके प्रोग्राम होता है, कॉन्फ्रेंस है, प्रोग्राम है, कोई दर्ज दे रहे हैं आप, तो आप हेड गियर है ये आप लगा सकते हैं, ये देखें वायरलेस है ये, एक सेट ये है इसमें, और इसमें भी वही वॉल क्लॉक के सेल लगेंगे, दो सेल लगेंगे इसके अंदर, और इसको ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि आप इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे एक बटन है ऑन का, ऑन कर देंगे, उसके बाद ये इधर वॉल्यूम होता है, आपने माइक का वॉल्यूम जितना रखना है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अच्छा जनाब अब निकाल लेते हैं सेट, ये आ गया जनाब, साइज वही है सेम है, साइज में कोई फर्क नहीं है, MH40S, लेकिन वेट में फर्क लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले भी मैं इसके मॉडल कई खोल चुका हूँ और इसके वेट में मुझे फर्क लग रहा है, वेट इन्होंने हैवी किया है, आई थिंक इन्होंने या तो इसमें बैटरी यूज की है बड़ी, इस वजह से इन्होंने बिग बैटरी बैकअप लिखा है। ओके के व्हील हैं ये रेड कलर के, आपने पोर्टेबल ट्राली की सूरत में आप यूज कर सकते हैं इसको, इसके व्हील हैं, मैं इसको करीब लेकर आ जाता हूं ताकि आपको इसकी फंक्शंस में दिखा सकूं। ओके ये देखें जनाब सबसे पहले ये आ गया आपका MH40S, इसकी इन्होंने जो ग्रिल है ये है, सही गेज है इसका और लाइट नहीं है, और प्लास्टिक जो है इसका, प्लास्टिक का गेज इन्होंने इम्प्रूव किया है, पुराने मॉडल्स में गेज थोड़ा सा ये लाइट था, और इसके ये व्हील है ट्राली के, आप मूव कर सकते हैं इजीली। सेकंड ये जनाब आ गया है आपका FM के लिए आ गया है, और ये आपका बटन है, बटन दबाएंगे इसका ये हैंडल खुल जाएगा, बंद हो जाएगा वापस हैंडल। अच्छा ये जो ऑप्शन होता है ये बैटरी के लिए एक्सटर्नल, जो मैंने आपको केबल ये दिखाई थी एलिगेटर वाली, ये वाली केबल ये इधर लगती है, और ये अडॉप्टर है 9 वोल्ट चार्जिंग की पिन इधर लगेगी, ये तीन आप एक्स्ट्रा माइक इसमें लगा सकते हैं वायर वाले, उनका कनेक्शन है, और सेकंड ये मास्टर वॉल्यूम है, मास्टर बेस है, मास्टर ट्रेबल है, और ये जो नीचे वाले तीनों हैं रेड वाले ये जो है इन तीनों को कंट्रोल करेंगे, और ये जो ऑरेंज वाले हैं ये वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, वायरलेस माइक को कनेक्ट करते हैं ये कंट्रोल करते हैं, ये इसमें मैनुअल भी जैसे TWS टेक्नोलॉजी इन्होंने दी थी कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दोनों बगैर वायर के, लेकिन आप मैनुअल भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों दिए हुए हैं। ठीक है जी ये क्लियर हो गया। ऑडियोनिक द साउंड मास्टर, एक चेंजिंग इन्होंने की है, इन्होंने जेंट्स की आवाज़ डाल दी है, और कहीं मिलाद का प्रोग्राम हो रहा होता था, महफिल होती थी तो खातून की आवाज़ होती थी, तो इन्होंने वो चेंज कर दिया है, ये बहरहाल अच्छा काम किया है बहुत इन्होंने। देखें मैं वॉल्यूम इसको छेड़ रहा हूँ तो ये वॉल्यूम बता रहा है अब कितना हो रहा है, ये ट्रेबल बता रहा है इसकी, ठीक है ये इसकी झनकार बता रहा है, ये इसका बेस बता रहा है, ठीक है। फ्रंट इसका देख लेते हैं कैसा बनाया इन्होंने। अच्छा जनाब ये है इसकी RGB लाइट जो उन्होंने कनेक्शन दिया है, पुरानी जो थी उसमें ग्रीन कलर था खाली,
और इसमें आरजीबी इफेक्ट है, लेकिन आरजीबी इफेक्ट उन्होंने दो तीन लाइटों को दिया हुआ है। एलईडी इसकी चेंज करके देख लेते हैं, ये ग्रीन हो गया, बंद हो गया और ये आरजीबी इफेक्ट आ गया, कलर चेंज कर रहा है, आरजीबी ये है इसका। ठीक है जी, अच्छा जनाब इसका प्राइस अपडेट की बात कर लेते हैं। अब MH40S आर्डियोनिक की प्राइस अपडेट इसका जनाब इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो 14,500 रुपये, 14,500 रुपीज इसका प्राइस अपडेट है पाकिस्तान में। और 12 इंच का वूफर है इसके अंदर, और ये इधर इन्होंने एक ट्यूटर यूज़ किया गया, और इसका जो वूफर है वो 12 इंच का है। 12 इंच की कैटेगरी में MH40S जो है वो बहुत अच्छा सेट है, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट जो मिल रहा है वो सबसे बड़ा वो ये मिल रहा है कि आपको दो वायरलेस माइक मिल रहे हैं, एक हेड गियर मिल रहा है और एक हैंड माइक मिल रहा है आपको। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है इसमें। 12 इंच में आपको कम में भी मिल जाते हैं, 1,000 रुपीज कम में या 1,500 रुपीज कम में, लेकिन माइक वायरलेस की कनेक्टिविटी दो की नहीं होती उसके अंदर। तो इसका प्राइस अपडेट मैंने आपको दे दिया है, चीज अच्छी है और ये सॉलिड है। इसका मटेरियल इन्होंने चेंज किया है, बॉडी इसकी इन्होंने थोड़ी सी हैवी की है, तो साउंड और बेस अच्छी बनेगी। इसका साउंड टेस्ट करने के लिए आप हमारे ही इस चैनल पर रेड ऑन वेब टीवी पे साउंड टेस्ट MH40S के नाम से लिखेंगे तो इसकी वीडियो आ जाएगी, आप वहां पे साउंड इसका टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।